हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज मेरे चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक। जी हाँ गाइस, मैं आपके साथ जो फेस पैक शेयर करने वाली, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगा। छुट्टी और जैसे कि वह आ रहे हैं तीज त्यौहार बहुत सारे, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है पार्लर जाने का, तो आप फटाफट से इसको बनाओ, अपने फेस पर अप्लाई करो और बस 5 मिनट में देखो आपके फेस में एकदम ग्लोविश आएंगे और बिल्कुल निखरा हुआ आपका फेस लगेगा, जैसे आप कोई महंगा फेशियल करा के आए हो। और यहाँ पे मैं बोल नहीं रही हूँ गाइस, मैं आपको सच में बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही लगने वाला, बहुत ज़्यादा आपका फेस पहले से अच्छी क्वालिटी कर देगा, आपकी स्किन को हेल्दी कर देगा। अगर आपके फेस में झुर्रियाँ हैं, पिंपल है, सन टैन हो गया, इन सबको रिमूव कर देगा मिनटों में गाइस। बहुत अच्छा ये फेस पैक है, तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ गाइस कि आपकी स्किन टाइप कोई सी भी हो, आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। फिर मैं यहाँ पे बोलूँगी आप पैच टेस्ट करो, उसके बाद इसको अप्लाई करो, ठीक है? तो चलो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये फेस पैक बनाना है। तो बस गाइस, यूँ मिनटों में बन जाएगा और मिनटों में आपके फेस में लाएगा ये ग्लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए दही। तो गाइस, दही आपके किचन में ही होगा, आपके घर में, तो बस आपको लेना है 1 चम्मच यहाँ पे दही। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच दही लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच बेसन लिया। आप अगर सिर्फ फेस में लगा रहे हो तो इतना पर्याप्त है, ठीक है? इसके बाद मैंने आप लिया मुल्तानी मिट्टी, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। तो गाइस, यहाँ पर 1 छोटी चम्मच में मतलब 1 चुटकी आप हल्दी इसमें डाल दो, ठीक है? इसके बाद डालना है आपको विटामिन ई कैप्सूल गाइस। तो यहाँ पे 1 पूरा कैप्सूल मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद आप चाहो तो इसमें नींबू ऐड कर लो, अदरवाइज आप नींबू स्किप कर सकते हो अगर आपको सूट नहीं करता है गाइस। बस इतना ही आप लगा लोगे, आपके फेस में जितनी भी डेड स्किन होगी निकाल देगा, आपके फेस में ग्लो आएगा, साइन आएगा। साथ ही जब आप मेकअप करोगे ना तो बहुत अच्छा खिल के मेकअप आएगा, इसलिए क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना ये फेस पैक लगाने के बाद, ऑयल कंट्रोल रहेगा आपका, एक्स्ट्रा ऑयल आपके फेस में नहीं निकलेगा, तो आपके फेस में मेकअप भी बहुत अच्छे से टिकेगा। तो गाइस, इस फेस पैक को इस हरियाली तीज पे जरूर लगाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारा बातों बातों में फेस पैक बनके रेडी हो चुका है और तब तक अपना फेस क्लीन कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फेस क्लीन कर लेती हूँ गाइस। कुछ भी लगाओ उससे पहले फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो फेस वॉश करना कभी भी ना स्किप करें, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया। इसके बाद हमारा फेस पैक बनके रेडी है। तो अभी मैं इसको पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने पूरे फेस में इसको अप्लाई करने के बाद कम से कम आपको इसको 10 से 15 मिनट अपने फेस में रहने देना है, ठीक है? इतना टाइम आप इसको दोगे ना तभी अच्छे से अपना काम करेगा, अंदर तक आपके फेस में जाएगा और अंदर से आपके फेस को ग्लो एंड साइन करवाएगा। तो गाइस, इसको 10 से 15 मिनट टाइम दें आप। और तो फिर इस तरीके से आपको पूरे फेस में लगा के छोड़ देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे फेस में लगा दिया, अभी मैं छोड़ दूँगी इसको 15 मिनट के लिए। इसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं इसको, और अभी मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगी, निकालूंगी यानी कि। तो फ्रेंड्स, इतना एक्स्ट्रा उसको मैं निकाल दूंगी, आप देख सकते हो इसको निकाल के। इसके बाद हम करेंगे इसमें मसाज, ठीक है? तो अभी मैंने लगभग निकाल दिया अपने फेस से, और इसके बाद जो थोड़ा सा भी बचा हुआ है आप देख सकते हो, और इसने अपना काम कर दिया है। मैंने आपको क्लोज से दिखाया, अभी से ही निखार आपको दिख रहा है और फेस तो मैंने भी क्लीन भी नहीं किया है गाइस। आप देख सकते हो पहले से आपको कितना डिफरेंट नज़र आ रहा है, बिल्कुल जैसे कोई आप फेशियल करा के आए हो कोई महंगा सा, ऐसा वाला ग्लो आपके साइन फेस में आ जाएगा, बिल्कुल साइनिंग आ जाएगी आपके फेस में। तो गाइस, इसके बाद आपको मसाज करना, मसाज कम से कम 10 मिनट तक करें, नहीं है तो आप 5 मिनट, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो 5 मिनट तो कम से कम करें मसाज। इसके बाद ठंडे पानी से अपना फेस क्लीन कर लें। तो गाइस, रिजल्ट आपके सामने है, अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो इस हरियाली तीज पे इसको ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जितना भी पानी मेरे फेस में लगा हुआ है उसको डैप डैप करके सुखा दूंगी। इसके बाद आपका फेवरेट जो भी मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल, टोनर जो भी आप लगाते हो इसके बाद आप लगा सकते हो, ठीक है? तो गाइस, इसको ट्राई जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो देख ली और थोड़ी सी वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा बताया फेस पैक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।